गाइस किया सोनेट का आज हमारे सामने वो आप वेरिएंट देख रहे हो ना जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, HTK ऑप्शनल वेरिएंट। शोरूम पे भी ये आपको इजीली नहीं मिलने वाली है क्योंकि सिर्फ आपको 40,000 रुपये में इस मॉडल में आपको सनरूफ मिल जा रहा है और भी बहुत सारे फीचर्स इसके टॉप मॉडल वाले इसमें आपको एड ऑन कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलता है, इंटीरियर कितना अच्छा देखने को मिलता है, एक्सटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए और इस गाड़ी में जो पुराने वाले जो इसका बेस वेरिएंट आता था उसमें और इसमें आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा और सिर्फ आपको 40,000 रुपये में क्या क्या आपको फीचर्स को एड ऑन किया गया है, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का यहाँ से आप फ्रंट डिज़ाइन को देख पाओगे, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। वही आपको टाइगर नोज जो ग्रिल है वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, मैट ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाता है और ये आप सिल्वर कलर के यूज़ देखोगे जिससे आपका जो फ्रंट का लुक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ आप नीचे वाला ग्रिल देखोगे ये भी आपको मैट ब्लैक कलर में दिया गया है और ये आप स्किड प्लेट देखोगे जो कि आपको टोटली सिल्वर कलर में ही देखने को मिलता है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको DRL लाइट नहीं मिलता है, बट ये आपको देखोगे जो कि आपको हल्का सा DRL की तरह ही दिखने वाला है। यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के आपको 2 लाइट देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है, ये आपका इंडिकेटर हो गया बल्ब के साथ और ये आप नीचे वाला देख रहे हो। बहुत लोग को ये लग रहा है कि ये फॉग लैंप है बट नहीं, ये आपका पायलट लैंप दिया गया है, हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेंगे। बीचों बीच आप यहाँ पे देखोगे जहाँ कि आपको किया को भी मेंशन किया गया है। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे टायर देख सकते हो जिसका कि साइज आपको जो दिया गया है जो कि आपको 215/60/16 R16 इंचेस के इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे। दूर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आपको एलॉय व्हील है बट ये ऊपर से आपको यहाँ पे टोटली कवर लगाया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, यहाँ पे आपको MRF वंडर का आपको टायर देखने को मिलता है। साइड का आप एक ग्लाइडिंग देख सकते हो जो कि आपको रफ ब्लैक कलर में दिया गया और यहां पे आपको फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर के प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। तो RBM आप यहां पे देखोगे बॉडी कलर में, नीचे आपको मैट ब्लैक कलर का दिया गया है और इसे आप अंदर से ही एडजस्ट कर पाओगे बट जो फोल्ड है वो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बी पिलर आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे, रूफ रेल्स आप यहां पे देख सकते हो जो कि आपको सिल्वर कलर और इधर आपको ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। इधर आप देखो जहाँ की आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है जो कि आपको 45 लीटर के साथ देखने को मिलेगा। गाड़ी के आप टोटली रियर प्रोफाइल में आओगे तो यहाँ पे आप इसका जलवा देख सकते हो जो कि आपको टोटली कनेक्टेड में आपको LED में आपको यहाँ पे टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर, ये आपका जब ब्रेक दबाओगे उस वक्त ये भी आपका लाइट जलने वाला है, अच्छा इल्यूमिनेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। इस जगह पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वाइपर के भी कंट्रोल दिए गए, इस जगह पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको छोटा स्पॉइलर और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है। बीचों बीच आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ की आपको किया का ब्रांडिंग मिल जाएगा, इधर आपको सोनेट को मेंशन किया गया है, बीच में आपको यहाँ पे कैमरे को भी प्लेस किए गए और साथ साथ रियर में आपको यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिए गए और नीचे वाला ये बम्पर देखोगे जो कि आपको टोटली सिल्वर कलर में और यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको रिवर्स लैंप भी देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ से इसका मैं आपको बूट स्पेस को चेकआउट कराऊँ तो ये आप इसका बूट स्पेस देख सकते हो, 384 लीटर के इसमें आपको बूट स्पेस मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे नहीं दिए गए बट एसेसरीज के रूप में आप लगा सकते हो। सीट देखोगे इसे भी आप कोई भी फोल्ड नहीं कर सकते हो, आपको टोटली सिंगल पीस आपको यहाँ पे सीट दिया गया है। नीचे में आप यहाँ इसका स्पेयर व्हील देखोगे जो कि आपको 15 इंचेस के साथ आपको स्टील रिम देखने को मिल जाएगा, साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे जो कि अंदर में एक हुक दिया गया, कोई भी आपको यहाँ पे लाइट नहीं मिलेंगे। पीछे वाले सीट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका सीट देखोगे जो कि आपको टोटली फैब्रिक में सीट देखने को मिल जाएगा। बीचों बीच आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं दिए गए और जो हेडरेस्ट मिलता है जो कि आपको दोनों ही फिक्स देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगा और आइसोफिक्स साइड माउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर आप देख लो जहाँ कि आपको रियर AC वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह, 2 आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट और साथ साथ आप ड्राइवर साइड देखो और को ड्राइवर साइड देखो तो दोनों ही साइड आपको मैगजीन होल्डर रखने के लिए जगह और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट भी मिल जाता है। और ऊपर में आप यहाँ पे देखोगे जहाँ कि आपको पीछे में भी आपको हेलोजन बल्ब के लाइट मिल जाते हैं, इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल दिया गया और सबसे बड़ा जो इस वेरियंट का जो USP है जो कि आप यहाँ पे देखोगे जो कि 40,000 में मात्र आपको यहाँ पे सनरूफ भी मिलने वाला है। ड्राइवर सीट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी
क्विक सेंसर नहीं मिलते हैं, बट अंदर से आप देखोगे डोर ट्रिम आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको सिंगल टोन कलर का यूज मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल जो कि आपको साटन फिनिश के साथ मिलता है, कि आप देखोगे जो कि आपको सेंटर लॉकिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, इसे आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो, और जो ORBM है उससे आपको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। नीचे में देखोगे जो कि आपको इस गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर के सेट मिल जाते हैं, और आपको 2 ट्विटर भी दिया गया है, बोतल होल्डर और आपको अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। सीट देख सकते हो जो कि आपको बकेट फिट सीट दिया गया है, फैब्रिक में मिलता है, बट साइड में आप यहाँ पे देखोगे जहाँ कि आपको लेदरेट के यूज़ मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, और रिक्लाइन करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, और सीट को आगे पीछे करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेगा, आपको मैनुअल ही देखने को मिलते हैं। इस तरफ देख लो जहाँ कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट का पार्किंग वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और हेडलाइट का जो लेबलर है वो आपको यहाँ पे दिए गए, एसी वेंट्स का आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा, और इसमें आपको कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन नहीं मिलते हैं। ये आप देखो इसका की, जो कि आपको रिमोट की मिलता है लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और इसे दबा के रखोगे तो इसका जो बूट है वो भी आपको ओपन हो जाएगा। और गाइज अभी आप देखोगे जो कि इसके मैं इंटीरियर पे आ चुका हूँ, सबसे पहले आप इसका डैशबोर्ड देखोगे जो कि आपको कितना ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। इधर आपको टोटली पियानो ब्लैक कलर के यूज़ मिल जाते हैं, साथ साथ जो डैशबोर्ड दिया गया है वो आपको कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, हार्ड फाइबर देखने को मिलेगा, और इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, साथ साथ इसमें आपको ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। स्टीयरिंग आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको कहीं भी लेदरेट के यूज नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको ब्लैक कलर का यूज दिया गया। इधर आपको सिल्वर कलर के यूज मिलेंगे, ये आपका हॉर्न का बटन, किया को आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। इधर आप देखोगे जो कि आपको MID का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, और टेलीफोनिक कंट्रोल, और आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इधर आपको देख सकते हो जो कि आपको इस मॉडल में भी आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे, बट जो वाइपर का कंट्रोल दिया गया है जो कि आपको मैनुअली ही दिया गया है। स्टीयरिंग जो मिलता है सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टेबल के साथ दिया गया, टेलीस्कोपिक इसमें आप नहीं देखने को मिलेगा। और इधर आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे जो कि आपको 8 इंच का देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एंड्रॉयड एंड ऑटो कारप्ले आपको टोटली वायरलेस ही आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। दोनों साइड बहुत सारे आपको फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखोगे जो कि आपको ऑटोमेटिक AC भी दिया गया है। 1000 लाइट का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, दोनों साइड आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लोअर कम ज़्यादा, टेम्परेचर कम ज़्यादा ऑटो में डाल सकते हो, AC ऑन ऑफ यहाँ पे कर पाओगे। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, नीचे के लिए एयर सर्कुलेशन, और यहाँ से आप ऑफ करने के लिए जगह दिया गया है। इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाते हैं, इस जगह देख सकते हो जहाँ की आपको 3 चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, Type-C 12 वोल्ट का, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिलता है। 5 गियर का इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, और रिवर्स गियर आप यहाँ से लगा सकते हो। और यहाँ से इसका मैं आपको कैमरा का क्वालिटी चेकआउट कराता हूँ, ये आप देख लो, अच्छा क्वालिटी मिल जाता है, उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता बट ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। प्रॉपर आपको यहाँ पे गाइडलाइन के साथ दिया गया है, जिससे आपको रिवर्स करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस जगह पे आओगे आपको हैंड ब्रेक आपको टोटली मैनुअली दिया गया, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आर्मरेस्ट आपको पहले से मिल जाता है, और इसके अंदर स्पेस भी देखोगे जो कि आपको डिसेंट सा स्पेस दिया गया है। इधर आप देख लो ग्लव बॉक्स दिया गया, जहाँ कि आपको कोई भी कूल्ड और आपको लाइट नहीं मिलता है, बट डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। IRBM जो दिया गया जो कि आपको मैनुअली ही एडजस्टेबल दिया गया, सनग्लास होल्डर मिल जा रहा है, 2 आपको यहाँ पे हेलोजन के बल्ब मिल जा रहे हैं। इधर आओगे जहाँ कि आपको मिरर मिल जाता है बट लाइट नहीं दिया गया, और को ड्राइवर आओगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दिया गया है, और सनरूफ एक बार और आप यहाँ पे देखोगे उतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया, बट जो सनरूफ का फील है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और गाइस MID आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको सेमी डिजिटल में देखने को मिलेगा, दोनों साइड देखोगे तो आपको एनालॉग का यूज़ किया गया है। इधर आपको टेम्परेचर मिल जाता है ऊपर में फ्यूल गेज, और इधर आपको टैकोमीटर दिया गया है। जो टैकोमीटर का फील है वो आपको एनालॉग में ही अच्छे से मिलने वाला है। यहाँ पे बीचों बीच आपको स्पीडोमीटर दिए गए, जो डोर खुला है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, नीचे में आपको सीट बेल्ट का वार्निंग, और नीचे में आपको काफ़ी कुछ इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसे टॉगल करने के लिए आपको ए बटन दिया गया है, इसे जब दबाओगे तो ए आप देख सकते हो जो कि आपको सिंस रिफ्यूलिंग जो है वो आपको शो कर जाएगा। ड्राइव का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है, एक्यूमुलेटेड इन्फो है वो आपको यहाँ पे हर एक कुछ मिल जाता है, साथ साथ आपको ऑटो स्टॉप का बटन और आपको करंट ट्रिप जो है वो आपको यहाँ पे शो करने वाला है। एक बार और दबाओगे तो ये देख सकते हो, जहाँ कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जा रहा है, और क्या ही चाहिए। एक बार और दबाओ, जहाँ कि आपको यूज़र सेटिंग दिया गया, ड्राइवर का असिस्टेंस, लाइट्स, डोर कन्वीनियंस, सर्विस का इंटरवल, और आपको अदर फीचर्स, और यहाँ पे आप इसे रीसेट कर सकते हो। तो इतना कुछ आपको MID में फीचर्स मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
तो गाइज ये कुछ रहा इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो जो फीचर्स थे वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है, और 40,000 रुपये में आपको जो जो मिलता था वो भी मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अभी का इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो मैंने बताया कि 9,38,000 रुपीज़ रखा गया। ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 10,87,000 रुपया पड़ने वाला है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको दिलीप किया का मैंने प्राइस बताया हुआ है। और जो इंजन मिलता है जो कि आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया, साथ साथ इसमें आपको टर्बो इंजन भी मिल जाएगा और आपको डीजल इंजन भी दिया गया है। बट जो ए इंजन है जो कि आपको पावर 83 पीएस का और आपको 114 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। सफिशियंट पावर एंड टॉर्क मिल जाता है। माइलेज अप्रॉक्स आप देखोगे तो 15 से 18 का आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैंने कहा जिस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको सब कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।